यार घर वालों की बहुत याद आ रही है। घर से मैं बहुत दूर हूँ। लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर पे तो सभी राजकुमार होते हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, बट यार बाहर आने के बाद असली औकात चलता है पता। लेकिन फिर भी यार जो निगेटिव बातें होती हैं वो कभी कभी माइंड में घूमने लगती हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है सुबह कुछ 7 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज दुबे और आप देख रहे हैं राज दुबे ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैं बिहार से हूँ और ये देखो पीछे रूम का क्या हाल रखा है। तो अभी मैं वर्कआउट करके जस्ट बैठा हुआ था नीचे, मेरे सामान पड़े हुए हैं, पैड्स, हेलमेट्स, किट बैग, बैट और इधर भी पड़े हुए हैं। तो पूरा रूम में गंद मच रखा है और यार कल से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और एक चीज़ और सता रही है, जो मेरा पंखा है ये पूरा ख़राब हो चुका है, मतलब चल ही नहीं रहा। मैंने चेक करा तो तार वगैरह सब सही था, बट अंदर से कुछ दिक्कत है। तो आज बुलाएंगे इलेक्ट्रिशियन को और ठीक कराएंगे इसे। और यार बाहर धूप भी निकल गई है तो थोड़ा धूप को एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग का जो धूप है थोड़ा अच्छा होता है। तो गाइस, रात में बहुत बारिश हो रही थी तो पूरा ग्राउंड गीला हो चुका है अभी, और काफ़ी तेज़ हवा भी चल रहा है। और यार मेरा नाखून भी जो है उखड़ चुका है रात में बेडशीट में फंस के। तो अच्छा ही हुआ, अपने आप निकल गया। रात में उतना दर्द नहीं समझ में आया और टूट गया वो भी समझ में नहीं आया, तो ये अच्छी बात है मेरे लिए। और यार आज सुबह से पता नहीं क्यों आज वर्कआउट करने में मन नहीं लगा। और यार घर वालों की बहुत याद आ रही है, घर से मैं बहुत दूर हूँ और दिल्ली फ़िलहाल तो अकेला ही रह रहा हूँ, तो अभी घर वालों की बहुत याद आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यार अगर आप घर से बाहर निकलो ना तो यार बहुत दिक्कत होती है, घर वालों की याद आती है, लाइफ में क्या करोगे क्या नहीं करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब यार दिमाग में घूमने लगता है। और कभी कभी तो ये लगता है कि यार क्या पता मैं इस फील्ड में हूँ तो सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, इस बात का डर हमेशा लगा रहता है यार। और अगर सक्सेस नहीं हो पाया तो अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को, गाँव वालों को, दोस्तों को क्या चेहरा दिखाऊँगा, समझ नहीं आता। घर वाले तो फिर भी सपोर्ट कर लेते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बट यार गांव वाले जो होते हैं थोड़े अकड़ू टाइप के होते हैं, वो थोड़ा अलग अपना रवैया दिखाते हैं, कुछ बोलते हैं। तो खैर उससे मेरा घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो बोलते हैं बोलते रहने दो। लेकिन फिर भी यार जो निगेटिव बातें होती हैं वो कभी कभी माइंड में घूमने लगती हैं। घर पर तो सभी राजकुमार होते हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, बट यार बाहर आने के बाद असली औकात चलता है पता, कि मतलब मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब एक ही बार में समझ में आ जाता है। तो अभी मैं किचन में बैठा हूँ और अजय इधर अपना खाना बना रहा है मस्त, और ये देखो कितना तेज प्याज काट रहा है, वाह एकदम पतला पतला काट रहा है आराम आराम से। हो गया। और उधर जो अपना मैक्रोनी उबल रहा है और इधर मसाले रेडी हो रहे हैं, प्याज, हरी मिर्च और इधर टमाटर है, तो बनेगा भी बहुत मजा आएगा खा के। तो अब इसे मैक्रोनी डाल दिया गया पूरा कढ़ाई भर के। अजय मुस्कुरा रहा है और चलाना ही चलाएंगे इसे आराम आराम से। आहा आहा। ऐसे इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 8-9 लोग हैं मैक्रोनी में, इसलिए कढ़ाई भर के बना हुआ है। कई आप सोच लो कि हम दोनों खाएं कढ़ाई भर के, ऐसा नहीं है भाई। इधर मस्त मैक्रोनी पक के रखी जा चुकी है। आहा इसे खाते हैं रे, बहुत गर्म है। आहा मस्त, निकालो जय आराम आराम से। ओहो गर्म है आराम से। आहा आहा बस 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 डाल दो डाल दो डाल दो बस। आहा तो अभी मैक्रोनी ले लिया है और चलते हैं बाहर, मस्त हवे में खाते हैं अपन। तो अभी क्या है कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और यार मैं सो गया था, तो यार क्योंकि और वर्कआउट करके आया था तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके सो गया था। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा करते हैं लंच, क्योंकि लंच में पता नहीं क्या बनाऊंगा, भूख बहुत जोर लगी है, चलते हैं फिलहाल लंच करने। तो अभी जो है शाम के कुछ 5 बजने वाले हैं, मतलब 4:45 हो रहा है, 15 मिनट में 5 बज जाएंगे। तो अभी मेरे को जाना है बाहर स्पोर्ट्स शॉप, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, आज तकरीबन 10 या 15 दिन पहले दिया था अपने ग्लव्स बनवाने को, मेरे ग्लव्स के पाम जो थे फट गए थे, तो पाम चेंज करवाने को दिया था। तो अभी चलते हैं लाने। तो फिलहाल नहा के होते हैं रेडी और चलते हैं फिर।
तो अभी अपन रेडी हो चुके हैं, बस जूते डालने रह गए हैं, तो फटाफट से डालते हैं जूते और फिर चलते हैं। अभी अपन निकल चुके हैं, मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है अमन, तो अभी निकल चुके हैं अपन स्पोर्ट्स शॉप के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, बस पकड़ते हैं बस स्टैंड से, हमारे यहाँ से नज़दीक में बस स्टैंड है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने में, पैदल निकल लेते हैं। 2 कदम की दूरी है बस, ये घर रहा और आगे 10 कदम का बस स्टैंड रहा। तो फिलहाल चलते हैं अपने बस स्टैंड पे अपन, और वहाँ से बस पकड़ के फिर निकलेंगे अपन। अभी जो अपन आ चुके हैं ग्लव्स लेकर के, पीछे पड़ा हुआ है बेड पे, तो फिलहाल अभी आए हैं और मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है, फिलहाल चार्ज लगाते हैं। और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो रास्ते में घटी हमारे साथ, बताते हैं आपको, पहले फ़ोन को चार्ज लगाते हैं। हाँ, तो अभी क्या है कि अपन मस्त डिनर वगैरह करके आराम से बैठे हुए हैं। हाँ, तो जाते वक्त क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड अमन दोनों जा रहे थे, और मैं अपना पर्स लिया हुआ था और उसके पास कैश नहीं था, तो उसने बोला कि मतलब मैं तुमको दे दूंगा, तुम चलो। मैं कहा चलो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मैं जो पर्स लिया हुआ था उस पर्स में मैंने पैसे नहीं रखे थे, सारे पैसे मेरे इस शॉर्ट्स में पड़े हुए थे। ऐसे ही चला पता कि मतलब मेरे पैसे छूट गए हैं रूम पे ही, तो आरटीबी वाले को मतलब मैंने बोला बस वाले को कि भाई यार मेरे पैसे छूट गए घर पे, मेरे फिलहाल इतना ही पड़े, तकरीबन 13 रुपये पड़े थे और लगते हैं 20 रुपये। तो उसने क्या करा, उसने रख लिया, अच्छा आदमी था, हमारे से युवा था, समझ गया वो कि उसे तो नहीं लाया हो, छूट गया हो, तो उसने रख लिया। तो हमने क्या करा कि अब हम एटीएम खोजने गए, तो पहले एटीएम में गए तो उसमें एटीएम में पैसे नहीं थे, ख़त्म हो चुके थे। तो दूसरे एटीएम में गए हम लोग, गूगल पे सर्च मारे, गूगल मैप पे सर्च मारे गए, तो उधर क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुंचे, HDFC दिखा रहा था उस पे, गूगल पे HDFC बैंक का दिखा रहा था। तो अपन गए वहाँ, वहाँ गए तो जिस लोकेशन में पहुंचे वहाँ पर बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा था, घर था, तो वहाँ पे अपना पोपट हो गया। तो फिर हम आसपास देखे कहीं आधार कार्ड से पैसे निकलते हो तो निकलवा लेंगे, तो कुछ दूर गए तो वहाँ आधार कार्ड से पैसा निकल रहा था, तो वहाँ पे गए तो हमने बोला कि भैया आपको मैं फ़ोन पे कर दे रहा हूँ, आप कैश दे दोगे? तो बोला ठीक है। तो हमने क्या करा कि आधार कार्ड से ना निकल कर उसे फ़ोन पे कर दिया, तो उसने कैश दे दिया। तो ऐसे हम लोग गए वहाँ पे उधर, तो आज बहुत बड़ा खेल हो गया। तो हाँ, अब डिनर हो चुका है, तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी वीडियो को एडिट भी करना है, 1-2 घंटे लग जाएंगे एडिट करने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, घूमने फिरने वाला व्लॉग्स, दोनों खैर सेम होगा। तो अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।